तालुका के खोबना में खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से मुरम माफिया के हौसले बुलंद है। यहां लगातार मुरम का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोही क्षेत्र में अवैध मुरम खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मुरम माफिया बेफिक्र होकर बिना किसी डर के मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद इन माफियों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुही के पास खरबी खोबना रोड गांव में अवैध मुरम माफिया अवैध मुरम खनन कर परिवहन किया जा रहा है। मौके पर कोकल्याण द्वारा मुरम खनन किया जा रहा है। कुही शहरवासियों ने बताया कि जिन ट्रैक्टरों को मुरम के परिवहन के लिए लगाया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। एक महीने से पहले फिर सक्रिय हुए मुरम माफिया हादसे की आशंका बता दें, कुही तालुका में अवैध उत्खनन के मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी खोबना के नजदीक गाँव में अवैध रूप से मुरम की खुदाई की गई है। कुही में कुछ महीने पहले मनरेगा के तहत लगभग लाख वृक्ष की लगावट की लागत से हुई अब हजारों वृक्ष की कत्ल करके अवैध मुरम उत्खनन चालू है। महसूल विभाग व पुलिस विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तकरार करने पर तकरार वाले को धमकाते हैं, महसूल अधिकारी को बताने पर अनदेखा कर रहे हैं। मुरम माफिया तालाब खुदाई के दौरान निकले मुरम का परिवहन करने में लगे हैं। कुही के नजदीक 5-6 मीटर की दूरी से मुरम उत्खनन चालू है। गांव के बीचों बीच से गाड़ियां चल रही है। इस छोटे बच्चे और बूढ़े की जान जाने की संभावना है। वाहन भारी स्पीड से चलाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस आरटीओ नहीं, महसूल विभाग भी नहीं दे रहा है। बोर्ड के पिट से मुरम का परिवहन किया जा रहा है। दरअसल मुरम माफिया पैसों की लालच में तय गाइडलाइन से ज्यादा खुदाई भी कर देते हैं या जहां तक खुदाई कर देते हैं, जिससे बरसात में गड्ढे में पानी भर जाने से हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं तालाब गहरा होने से पर्यावरण को भी नुकसान होने की आशंका रहती है। हजारों पेड़ की कत्ल करके पर्यावरण धोखे में जा रहा है, इसमें वन विभाग भी मौन पड़ा है। ऐसा आरोप कुही वासियों द्वारा खोबना खरबी चाफीगढ़ी के रहवासी कर रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ता कोई तालुका के भैयाजी लेंडे बाला देवतले और तालुका वासी उत्खनन करने वाले पर कठोर कार्रवाई कर फोन कर उच्च स्तरीय चौकसी करने की मांग कर रहे हैं। कुही से बीसीएन न्यूज के लिए संजय अधिकारी की रिपोर्ट।